और देखिए इसी के साथ विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद पोस्ट की। विनेश फोगाट ने मां के नाम की गई अपनी इस पोस्ट में लिखा कि मां कुश्ती मेरे लिए मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अपनी पोस्ट में विनेश ने कुश्ती को अलविदा कहा और माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। महावीर सिंह फोगाट ने बताया कि वो देश लौटने पर विनेश से बात करेंगे ताकि वो संन्यास की बजाय 2028 ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी करें। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने आज कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है विनेश फोगाट के गुरु भी, ताया जी भी, महावीर फोगाट। तो फोगाट साहब, बहुत दुख भरी कल खबर आई, 140 करोड़ देशवासियों का दिल भी टूटा, गोल्ड मेडल के इतने करीब थे और महज 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पर आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि वो कुश्ती को अलविदा कह रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जो तीसरा ओलंपिक, जो पहले ओलंपिक जो 16 में लड़ा, 20 में लड़ा और अब 24 में लड़ा, तो वो उसका जो दिल टूट गया, जो गोल्ड मेडल के नज़दीक थी और जो है जी ओवरवेट कारण जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो स्वाभाविक बात है कोई भी हो एकदम जो है गुस्से में या आत्मा टूट जाती है तो हो जाता है। लेकिन जो आने के बाद में हम सब बैठ करके गीता भी बजरंग भी हम भी जो है बात करके कोशिश करें उसको जो 2028 में जो लड़ने के लिए तैयार करें। हरियाणा सरकार ने विनेश की तारीफ की और प्रदेश का मान बढ़ाने वाला बताया इसको। देखिए, हरियाणा सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की और जाहिर तौर पर इतना शानदार प्रदर्शन उनका रहा, अगर आखिरी राउंड वो खेल भी नहीं सकी तो क्या हुआ। विनेश फोगाट हमारे देश की, हमारे प्रदेश की शान है, हरियाणा की बेटी है और बेटियों पर हमें बहुत नाज है और इसके बाद पूरा देश, पूरा प्रदेश दुखी है कि विनेश फोगाट जिसमें डिस्क्वालीफाई हुई है वेट के उसमें, और इसकी पीड़ा हमको भी है, मैं भी इससे दुखी हूँ और हम सब बेटी के साथ विनेश फोगाट के साथ हैं। और जो भी क्राइटेरिया ने रखा होगा, जिस तरह के खेल के पैरामीटर रखे हैं, उसमें जो वजन मिला है, हमें के बेटी के साथ न्याय होगा, दूध का दूध पानी का पानी।